सिद्धार्थ पिठानी का ईडी ने 15 घंटे तक बयान दर्ज किया। जी हां, कल 11:30 बजे सिद्धार्थ पिठानी ईडी के ऑफिस पहुंचे थे और आज आधी रात को 2 बजे निकले हैं वहां से। तो लगभग 15 घंटे तक उनकी पूछताछ चली और इन 15 घंटों में जो है ईडी को बहुत सारी जानकारियां मिली हैं। क्या है ये जानकारियां, मैं हिना कुमावत फिल्म विंडो पर आपको बताऊंगी। ईडी ने सिद्धार्थ पिठानी को शनिवार को बुलाया था, हालांकि वो आ नहीं पाए थे और वो हैदराबाद में थे। सोमवार मंगलवार 2 दिन लगातार उनकी जो है जांच की गई और इस जांच से ये पता चला है उनसे जो है कॉन्ट्रैक्ट मंगाया गया था जो सुशांत के साथ उनका घर को लेकर था, कि वो कॉन्ट्रैक्ट कितना था, क्या था, पैसों की क्या डील थी, क्या सिद्धार्थ पिठानी रेंट पे करते थे, किस तरह का वो डील हुआ था, उन सारी चीज़ों को लेकर उस कॉन्ट्रैक्ट की छानबीन की गई। पेमेंट किस तरह से होती थी, कैश में होती थी, चेक में होती थी, घर में खर्चों के बारे में कि खर्चा डिवाइड होता था, सैलरी कौन देता था कर्मचारियों को, क्या सिद्धार्थ पिठानी कुछ देता था या फिर सिद्धार्थ पिठानी सिर्फ रहता था और सुशांत के लिए काम करता था, इन सारी चीज़ों पर ईडी ने पूछताछ की है। साथ ही ईडी ने उनसे ये भी जानना चाहा कि रिया के आने के बाद खर्चे बढ़ गए थे तो कितने बढ़ गए थे, इस पर सुशांत का क्या कहना था, क्या उन्होंने कभी रिया को फालतू खर्चे करते हुए देखा है, किस तरह के खर्चे रिया करती थी, रिया के आने से पहले फैमिली में बजट कितना था, उनके आने के बाद कितना हुआ, जो उनके यहाँ कर्मचारी काम करते थे उनकी सैलरी के बारे में उन्हें क्या पता था, ये सारी चीज़ें जो है उनसे पूछी गई हैं। और एक खबर सामने आ रही है उसके हिसाब से जो रिया ने बयान दिए हैं घर में काम करने वाले कर्मचारियों को लेकर, डोमेस्टिक हेल्प्स को लेकर, वो बयान सिद्धार्थ पिठानी के बयान से मैच नहीं कर रहे हैं और ऐसे में रिया को फिर से ईडी बुलाने की सोच रही है। लेकिन आज जन्माष्टमी के चलते किसी को नहीं बुलाया जाएगा और आज जितने भी उन लोगों ने बयान दर्ज किए हैं उन सारी चीज़ों को जो है वो बैठकर छटनी करेगी, निकालेंगी कि इसमें से किसकी क्रॉस एग्जामिंग दोबारा करनी है, दोबारा किसको बुलाना है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर जो है आज यही काम चलेगा। मीतू का कल बयान जो है दर्ज किया गया, जो 15 करोड़ वाली बात है उसी को लेकर कि उनको क्या लगता है कि कहाँ गए, कैसे गए, एफडी के बारे में पूछा गया, सिद्धार्थ पिठानी से भी एफडी के बारे में पूछा गया। तो इन सारी चीज़ों को लेकर सिद्धार्थ पिठानी की लगभग 15 घंटे तक जो है पूछताछ चली है।